हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.5। 5.5 एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में केयरफुली वॉच करो। 4152, 2678, यहाँ आपको इक्वल में 2678 गिवन है। क्या गिवन नहीं है आपको? 4152 नो गिवन नहीं है। 3926 प्लस डैश प्लस 4852, यहाँ आपके पास 3926 है और क्या नहीं है? 4852, यहाँ पर 4852 है तो क्या नहीं है, क्या मिसिंग है? 3926। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, इस प्रॉपर्टी में हमें दोनों साइड को इक्वल बनाना होता है। 5307 25378, हमें क्या करना है, इनका ऑर्डर चेंज कर लिख देना है। इस प्रॉपर्टी का मीनिंग यह है कि अगर हम डिजिट्स के, नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी हमारा जो आंसर आता है वो सेम ही आता है। ज़ीरो में अगर आप नंबर को ऐड करोगे तो वो नंबर एज इट इज़ ही आंसर में आएगा। 75487 में क्या ऐड करूँ कि 75487 ही आए? 75487 में ज़ीरो ऐड करोगे तो 75487 ही आएगा। 61 इज़ 5176, 8482 में क्या ऐड करूँ और 2884, ये हमें 3 गिवन है। देखो, यहाँ पे हमें 5176 गिवन है, 8482 गिवन है, तो हमें क्या गिवन नहीं है? 2884, हमें 2884 गिवन नहीं है। देखो, अब यहाँ पे हमें फिलअप दिया हुआ है तो अब देखो दोनों जगह मैचिंग करो। 2789 गिवन है, 882 गिवन है, तो क्या गिवन नहीं है? 1684, क्या गिवन नहीं है? 1684। यहाँ 12 गिवन है, ठीक है, हमारे पास यहाँ 12 गिवन है, 3 गिवन है, तो क्या गिवन नहीं है? 5, क्या गिवन नहीं है? 5। ये है एक्सरसाइज 5.2, जिसमें प्रॉपर्टीज़ है मेन बेसिकली कि किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करोगे तो वो नंबर सेम एज इट इज़ आएगा और हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करना है। अगर हम नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी उनका आंसर सेम ही आएगा। ये एक्सरसाइज 5.5 है, आपको केयरफुली वीडियो वॉच करनी है। अगर कहीं भी डाउट एंड क्वेरी लगते हैं देन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।